हेलो दोस्तों, दिव्य किचन किंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दाल पनीर की रेसिपी बताएंगे जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। बिल्कुल हटके दाल बनाई है हमने आज, दाल पनीर। ऐसी दाल जो आपने पहले कभी खाई नहीं होगी। दाल तो बहुत खाई है पर दाल पनीर नहीं खाई होगी। पहले हमने लिया है, गार्लिक को चॉप किया है, प्याज को चॉप किया है और दो हरी मिर्ची ली है, थोड़ा धनिया लिया है और एक टमाटर को चॉप किया है। सभी की तैयारी अच्छे से कर ली है और हमने लिया है एक कटोरी पनीर जिसको चॉप करके रखा हुआ है हमने बड़े बड़े भाग में, और लिया है हमने अरहर की दाल, तुअर की दाल, जिसको कुकर में दो सीटी लगा के तैयार रखी हुई है दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल भी बोल सकता हूँ। एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है, उसके बाद इसमें पनीर को फ्राई किया जाएगा। ऑयल गर्म होने के बाद तो हमने पनीर बड़े बड़े भाग में चॉप किया था वो इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारा पनीर अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई हो रहा है। इस टाइप से पनीर को गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। हमारा पनीर ब्राउन हो चुका है, इससे पता चलता है कि हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, फ्राई होकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस टाइप से पनीर को अच्छे से फ्राई कर लिया हमने। उसके बाद ऑयल में जीरा ऐड करेंगे, राई ऐड करेंगे और सबको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद गार्लिक ऐड करेंगे, गार्लिक के बाद ऐड करेंगे हम इसमें हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर को ऐड कर देंगे आखिरी में, और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में। सभी मसालों को अच्छे से फ्राई किया जा रहा है, पका लेंगे इनको अच्छे से, ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें रेड चिली डालेंगे आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे सभी मसालों को, प्याज टमाटर हरी मिर्ची गार्लिक के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे मसालों को, जिससे हमारा मसाला ऑयल छोड़ देगा। हल्का सा पानी ऐड करेंगे जिससे मसाला हमारा अच्छा सा फ्लेवर देगा और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इस टाइप से देखिए हमारा मसाला पकने के बाद ऑयल छोड़ देगा, इससे पता चलता है कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई होकर तैयार है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दाल जो हमने पहले से तैयार की हुई थी, वो दाल ऐड कर देंगे, उबाल के तैयार रखी हुई थी। एक बाउल दाल ऐड किया है हमने और दाल को अच्छे से उबाल ले लेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से दाल को उबालेंगे, दाल अच्छे से घुल जाएगी मसालों के साथ। उसके बाद ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी ऊपर से, कस्तूरी मेथी से हमारे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें किचन किंग, कौन सी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो आप। उसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा और अच्छा टेस्ट आएगा गरम मसाले से हमारी दाल में। इस स्टेप से देखिए दोस्तों, दाल हमारी अच्छी तरीके से बन चुकी है। जो हमने पनीर फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे अब दाल में आखिरी में। पनीर को आपको आखिरी में ऐड करना है। इस टाइप से देखिए थोड़ा सा इसमें ऐड किया जाएगा टेस्ट लाने के लिए, चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैजिक मसाला, मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही स्वादिष्ट आपकी दाल बनती है।